हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कोट इनवर्स एक्स डिवाइड बाय ए का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट वाई इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स डिवाइड बाय ए। ओके, इसको मैंने वाई लेट किया कर लिया। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा तो वाई वन क्या हुआ, यहाँ पर कोट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 + स्क्वेयर, यहाँ पर एक्स का स्क्वेयर और डिवाइड बाय ए का स्क्वेयर। ओके, और इनटू फिर डेरिवेटिव हमें किसका करना है, एक्स डिवाइड बाय ए का। तो एक्स डिवाइड कोट इनवर्स का तो डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पर एक्स डिवाइड बाय ए का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो 1/a। ओके, अभी देखिए यहाँ से, यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या हुई, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू ये कोट इनवर्स है, इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, कोट वाई और डिवाइड में ए है, ये ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू होगी हमारी ए कोट वाई। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, -1/1 + ये 1/a है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ 1/a। ओके, मल्टीप्लाई में ही है ये पूरा, और एक्स की क्या वैल्यू है हमारी, ए, और स्क्वेयर है तो स्क्वेयर भी लगा देता हूँ मैं, ए स्क्वेयर कोट स्क्वेयर वाई, और डिवाइड में इसके क्या है, ए स्क्वेयर, यह यहाँ पर ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये 1/a, और माइनस का साइन है ये भी यहाँ ही लिख देता हूँ, और 1/1 + कोट स्क्वेयर वाई, और 1 + कोट स्क्वेयर वाई क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, -1/a 1/1 + कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोशेक, तो कोशेक स्क्वेयर वाई, और 1/कोशेक क्या होता है हमारा, शाइन। तो देखिए वाई फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू -1/a, और 1/कोशेक क्या होता है, साइन, और यहाँ पर स्क्वेयर है तो साइन स्क्वेयर वाई। ओके, अगर हम मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूँगा तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव वैसे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ओके, हमने इस फॉर्म में इसको चेंज किया है ताकि हमें आसानी से और डेरिवेटिव फाइंड हो सके। इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा, और डेरिवेटिव करेंगे इसके, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में चेंज किया है इसको। सेकेंड डेरिवेटिव देखिए वाई 2 = -1/a, ये तो कॉन्स्टेंट है और माइनस का साइन आगे, तो ये भी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। साइन स्क्वेयर वाई का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2 पहले पावर शोल होगी, 2 sin y, और साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कोश वाई, और वाई का डेरिवेटिव y1। ओके, क्योंकि हम डेरिवेटिव यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, y1, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर वाई का हमारे पास ये रहा ऊपर, -1/a साइन स्क्वेयर वाई। तो देखिए y2 = माइनस, इस माइनस, ये माइनस का साइन है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -1। ओके, और यहाँ पर 1/a, और देखिए ये 2 sin y × cos y, ये फॉर्मूला बन रहा है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा = क्या होता है, 2 sin θ × cos θ, यहाँ पर थीटा की जगह हमारे पास क्या है, वाई, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ sin 2y। ओके, और वाई वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर माइनस है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस को -1,
ओके, और वन अपॉन ए, और क्या है साइन स्क्वेयर वाई। देखिए माइनस वन और एक माइनस वन ये रहा, तो वाई टू इक्वल टू माइनस वन की पावर कितनी हो गई, टू। और इसी प्रकार यहाँ पर वन अपॉन ए, एक ये रहा एक ये रहा, इसकी भी पावर कितनी हो गई यहाँ पर, टू। और एक टू है यहाँ पर, सॉरी सॉरी, ये टू तो हो गया है यहाँ पर। और क्या बचा है यहाँ पर, साइन टू वाई इंटू साइन साइन स्क्वेयर वाई। ओके, अभी हम इसका थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव। तो देखें माइनस वन अप की पावर टू, और यहाँ पर वन अपॉन ए की पावर भी टू, और फर्स्ट यू इन टू भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये फर्स्ट मान लेता हूँ मैं, और ये इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट फर्स्ट एज इट इज़ साइन टू वाई एज इट इज़, और सेकंड का डेरिवेटिव साइन स्क्वेयर वाई है, तो साइन स्क्वेयर वाई का डेरिवेटिव करेंगे। पहले पावर शो होगी टू साइन वाई, और साइन वाई का डेरिवेटिव कोश वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव वाई वन, प्लस सेकेंड एज इट इज़ साइन स्क्वेयर वाई एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, साइन टू वाई है, साइन टू वाई का डेरिवेटिव कोश टू वाई, और इस टू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, टू वाई वन, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर ले लेते हैं, वाई थ्री इक्वल टू माइनस वन की पावर टू, और माइनस सॉरी वन अपॉन ए की पावर टू। तो देखिए यहाँ पर साइन वाई है, और यहाँ पर साइन स्क्वेयर वाई है, और क्या है यहाँ पर टू है, और यहाँ पर भी टू है। तो एक तो टू कॉमन आ रहा है इसमें से, टू मैंने बाहर ले लिया है, और एक साइन साइन वाई कॉम साइन वाई ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, साइन वाई, और एक वाई वन, वाई वन ये वाई वन है, और वाई वन की वैल्यू हमारी ये है ऊपर माइनस वन अपॉन ए साइन स्क्वेयर वाई। तो ये वाई वन, चलिए पहले मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू रख दूंगा। तो अंदर क्या बचा, साइन टू वाई, और यहाँ पर कोश वाई, और प्लस यहाँ पर मैंने साइन वाई कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर साइन स्क्वेयर वाई था, तो एक साइन बच गया यहाँ पर साइन वाई, और इंटू कोश टू वाई, और टू टू मैंने बाहर ले लिया है। तो देखिए वाई थ्री इक्वल टू माइनस वन की पावर टू, और वन अपॉन ए की पावर भी टू, टू और साइन वाई, और वाई वन की वैल्यू क्या है हमारी, ये यही है, तो माइनस वन और वन अपॉन ए साइन स्क्वेयर वाई। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, जो फॉर्मूला ये है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोश वाई प्लस कोश एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पर एक्स एक्स की जगह क्या है यहाँ पर, टू वाई, और प्लस वाई की जगह यहाँ पर क्या है, वाई। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन टू वाई प्लस वाई थ्री वाई, इसको मैं लिख देता हूँ साइन थ्री वाई। ओके, अभी इसको देखें माइनस वन की पावर, पहले टू थी हमारी और एक पावर ये रही, तो माइनस वन की पावर थ्री, और वन वन अपॉन ए की पावर कितनी है यहाँ पर, टू, और एक वन अपॉन ये रहा, तो वन अपॉन ए की पावर थ्री, यहाँ पर टू सिंगल है, तो इसको मैं टू को ऐसे टू फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर सॉरी साइन वाई वाई लिखना वाई लिखना भूल गया, साइन वाई इंटू साइन स्क्वेयर वाई, इसको मैं साइन क्यूब वाई और इंटू साइन थ्री वाई। ओके, यहाँ पर क्यूब है, ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव है।
अभी इसमें हमें कुछ पता नहीं चला, तो एक बार इसका डेरिवेटिव मैं और कर लेता हूँ, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव कर लेता हूँ, उसमें हमें क्लियर पता चल जाएगा कि nth डेरिवेटिव हमारा क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, -1 की पावर तो सीरीज से चलती आ रही है, यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव में -1 की पावर 3 है और 1/a की भी पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आया है ये हमारा। आगे आगे शायद और भी आ जाए या ना भी आए, इसके लिए यहाँ पर भी ये सीक्वेंस बन रही है, लेकिन इसका फैक्टोरियल में हमें डाउट है, तो एक बार हम डेरिवेटिव और कर लेते हैं। तो देखिए, -1 की पावर 3 और 1/a की पावर क्यू, और 2 फैक्टोरियल लिए तो एज इट इज ही रहेगा। इसको वापस फर्स्ट इंटू सेकेंड से डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ साइन क्यूब वाई एज इट इज़, और सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, कोश साइन 3y का डेरिवेटिव कोश 3y इंटू 3y1, ओके, प्लस सेकेंड एज इट इज़ साइन 3y एज इट इज़, और साइन क्यूब वाई का डेरिवेटिव साइन सॉरी 3, पहले पावर शोल होगी 3 sin² y, और sin² y का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोश कोश वाई, और वाई का डेरिवेटिव y1, ओके। तो देखिए यहाँ पर y4 इक्वल टू -1 की पावर 3, 1/a की पावर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है, शायद इसमें ये 3 रहा ये 3 रहा, तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 मैं यहाँ पर बाहर ले लेता हूँ। और देखिए और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर y1 भी कॉमन आ रहा है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, तो y1 भी मैंने बाहर ले लिया है। और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए साइन की पावर क्यूब यहाँ पर है और sin² y यहाँ पर है, तो मैं sin² y भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर sin² y, ओके। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 पावर तो मैंने बाहर ले ली है, तो यहाँ पर बचेगा sin y और इंटू कोश 3 y, प्लस ये 3 y 1 यहाँ पर बाहर ले लिया है मैंने पहले ही, और क्या sin 3 y इंटू कोश वाई, ओके, यही बचेगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए 2 2 फैक्टोरियल क्या आता है हमारा, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2, और 3 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल पहले से ही है, 3 और आ गया, तो इसको मैं 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। और y1 की क्या वैल्यू है हमारी, y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है -1/a sin² y, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, -1 और 1/a sin² y इंटू, यहाँ पर क्या है sin² y पहले से ही है, और अंदर देखिए यहाँ पर फिर फॉर्मूला यूज़ हो रहा है sin x + y का, यहाँ पर देखिए x की जगह ये फॉर्मूला वापस यूज़ हो रहा है, और अब की पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये sin 4 y, ओके sin 4 y, y4 इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, -1 की पावर 3 पहले से ही है, एक ये रहा -1, तो -1 की पावर 4 और 1/a की पावर कितनी है यहाँ पर 3, और एक पावर ये रही, तो 1/a की पावर 4, ओके। और क्या बन रहा है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, और sin² y इंटू sin² y यानी कि sin की पावर 4 y और इंटू sin 4 y, ओके। अभी देखिए हमें इससे एक सीक्वेंस ही मिल रही है, अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव तो हमने कर लिया, अगर हम yn डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव किया है मैंने, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन था,
और सेकंड डेरिवेटिव किया माइनस के साइन की पावर 2 थी, और थर्ड किया 3 थी माइनस 1 के पावर साइन के पावर, और यहाँ पर फोर्थ डेरिवेटिव किया है तो माइनस 1 की पावर कितनी है 4। अगर इसी प्रकार एन डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 की पावर कितनी होगी यहाँ पर एन। इसी प्रकार वन अपॉन ए की भी पावर कितनी है फोर्थ डेरिवेटिव में 4, और फर्स्ट में क्या है 1 और सेकंड में क्या है 2। इसी प्रकार वन अपॉन ए की पावर कितनी होगी यहाँ पर एन डेरिवेटिव करेंगे तो एन। अभी फैक्टोरियल देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारा कोई फैक्टोरियल नहीं है तो इसे हम 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन इसमें बन नहीं रहा। सेकंड में भी कोई फैक्टोरियल नहीं है तो इसे यहाँ पर भी 1 फैक्टोरियल है, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव में देखिए, थर्ड डेरिवेटिव में क्या बना हमारा 2 फैक्टोरियल, यानी कि डेरिवेटिव तो तीसरा कर रहे हैं और फैक्टोरियल 2 बन रहा है। इसी प्रकार फोर्थ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव तो 4 टाइम कर रहे हैं लेकिन फैक्टोरियल कितना बन रहा है हमारे पास 3 फैक्टोरियल, यानी कि एन टाइम अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो फैक्टोरियल कितना बनेगा, यहाँ पर 4 टाइम डेरिवेटिव किया है तो कितना फैक्टोरियल बन रहा है 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार अगर हम एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव से एक कम फैक्टोरियल बन रहा है तो एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल बनेगा, यानी कि डेरिवेटिव से एक कम जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव किया है हमने। और यहाँ पर साइन की पावर 4 डेरिवेटिव में कितनी है 4 है, 3 डेरिवेटिव में कितनी है साइन की पावर क्यूब है, और सेकंड डेरिवेटिव में स्क्वेयर है तो एन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर साइन की पावर क्या कितनी होगी ny, और यहाँ पर इंटू साइन 4 डेरिवेटिव में 4y है, थर्ड डेरिवेटिव में साइन 3y है यहाँ पर, और सेकंड डेरिवेटिव में साइन 2y है यहाँ पर, कहाँ गया ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव में साइन 2y है और फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पर साइन y है। तो इसे क्या लिख, अगर हम एन डेरिवेटिव करेंगे तो साइन ny होगा ये। ओके, यही हमारा एन एट डेरिवेटिव है कोट इनवर्स x डिवाइड बाई a का। सो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।